सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यों की विकास भवन में समीक्षा बैठक की, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 18 गांव जनपद में चिन्हित किए गए हैं, उसके कार्य योजना बनाने के लिए किया गया बैठक की गई। उन्होंने कहा कि विद्यालय, आंगनबाड़ी तथा गाँव में जितने भी विद्यालय हैं उनको प्रधानों द्वारा स्मार्ट विद्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है, जिसको देखते हुए गाँव के विद्यालय को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा, जिसके लिए बैठक की जा रही है। जल्द ही प्रस्ताव बनाकर विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, दूसरा इसमें ऐसे लगने में मैंने भी बोला था आपकी कोई कार्य योजना में कोई यार संपर्क निर्माण बोला, संपर्क मार्ग बोला, आंगनबाड़ी का निर्माण जो मैंने पिछली बार जबरदस्ती दिलवाया था आप लोगों से, विद्यालयों, शौचालय का निर्माण और वृहद मरम्मत तब है और सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट। अगर आपका कोई गांव है ना, गांव पे हाई मास्क लाइट लगती है तो वो ले सकते हो, लेकिन वो ऐसा हो कि सारे गांव को रोशन हो। बोल लीजिए आप इस तरह से, ये इंडिकेटिव लिस्ट है, बाकी जो है उस तरह से करते हैं। जैसे वो टाइम की जो आप जर्नलिस्टों के साथ बैठ गए, दूसरा आप जो ऐसे डब्ल्यू का है सर, छह महीने का दूसरा है लगातार आना, ये मत सोचिए कि पूरे कम है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग सीख रहे काम कैसे हो रहा है, एक साथ देखेंगे तो काम होगा। ये तीन जो आठ जो काम ये है इसमें है कि ये लोग सीख रहे और जिनका आगे बहुत अच्छी पोखरा का आप दे दीजिए, अमृत सरोवर में दे दीजिए, आप पोखरा देते हो कि ये पोखरा का सौंपीकरण हो जाए, जीरो दार हो जाए, बढ़िया पोखरा खुल जाए, तो अमृत सरोवर योजना में आप उसको ले लीजिए। आप क्षेत्र पंचायत को यूज करिए, माननीय प्रभु जी से बात करेंगे, उनको बता देंगे कि ये काम करवा दीजिए, करवा देंगे क्षेत्र पंचायत से। अभी सरदार नगर में 5 पोखरे ले गया, क्षेत्र पंचायत से ले लिए, पहले बन रही है कल से शुरू हो जाता। तो ये आपको पूरे एंगल देखते हैं, ये नहीं कि आपने यहाँ से देखिए सीसी दे दी, आरसी दे, आरसी दे दी, ये पिछले रात की कॉपी पेस्ट की भेजी बोल। किस संबंध में बैठे आज सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो 18 गांव गोरखपुर के चिन्हित हुए उसमें कार्य योजना बनाने के लिए बैठक ली गई। ये ट्रेनिंग सेशन था, इसके अंतर्गत कन्वर्जेंस के द्वारा जो काम होने हैं, जो फंड अवेलेबल है उससे काम होने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें सबसे जो मुख्यतः है विद्यालयों पर, आंगनबाड़ी पर और जो हमारा सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, सड़कों पर काम होने उसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया था। सर स्मार्ट क्लास, हाँ इसमें विद्यालयों पर भी काम होना है, उसको जो जितने विद्यालय हैं उसको स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए प्रधान जी द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया, जिसको एक्सेप्ट किया गया।